मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप सबका स्वागत है दोस्तों। 5 चैनल 300 शेयर्स में, सॉरी 5 शेयर 300 शेयर के चैनल पे। और जैसा पिछली बार आपने देखा था कि मैंने इन 5 स्टॉक को ऐड किया था और उनको आज मैंने अपनी शीट में अपडेट कर दिया है। सो जैसा हमेशा हम रहते हैं कि एक हमने शीट बनाई कि 5 शेयर मैं देता हूँ। देखिए, वीडियो के 3 पार्ट में हमेशा रहता है। एक रहता है जो मेरी शीट है जो आज के टाइम पे बता रही है कि कहाँ तक मैं किस लेवल से पहुंचा हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट का, जिसका टारगेट है कि 300 डेज में हम लोग 10% अचीव करें। इसमें से एक ही शेयर है जिसने अपना 300% दे दिया था, MRPL। आप अभी भी MRPL रखे होंगे तो यू मस्ट बी हैप्पी, क्योंकि वो अच्छा खासा जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम, मैंने तो उस समय निकाल दिया था, क्योंकि जैसा रूल है कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अगर मुझे वापस वो आता है रिकमेंडेशन में तभी मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। रिकमेंडेशन मतलब मेरे एनालिसिस के हिसाब से। सो चलो चलते हैं इन 3 पार्ट को। पहले पार्ट में मैं आपको इन 5 ये जो शीट आपके सामने ओपन है उसको दिखाऊंगा कि कहाँ तक कौन सा शेयर पहुंचा। आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, बट उसको जूम इन जूम आउट करके मैं दिखा दूंगा टोटल प्रॉफिट का, वो भी दिखा दूंगा कितने तक मैं पहुंचा हूं। इसमें एक ही चीज है कि मैं 5 शेयर नए खरीद रहा हूं। जब भी मुझे लगता है कि आज खरीदना चाहिए तभी लेता हूं, और उस पे ही मैं वीडियो उसी समय डालता हूं। मैं इन शेयर्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा हूं। साथ में कुछ शेयर्स मेरे पास पहले भी थे जो काफी निगेटिव थे, जिसके कारण अभी का ये पोर्टफोलियो डाउन है, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उस टारगेट को अचीव कर लेंगे तब भी। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज्यादा निगेटिव कौन से स्टॉक है। सबसे ज्यादा निगेटिव आप देख सकते हैं कि ये 2 स्टॉक है, 51% और 22%। और अगर चाहो तो ये तीनों देखो आप करीबन सेम ही पे चल रहे हैं, तो चलो इन चारों को देख लेते हैं ना। पहले ये 2 को देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको अगर दिखेगा तो बर्जर पेंट VDL ये काफी डाउन है। बर्जर पेंट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, VDL काफी डाउन है क्योंकि मेरे पास ये पुराना स्टॉक पड़ा हुआ था, तो इसके कारण ही मेरी थोड़ी सी इसमें काफी प्राइस का फर्क आया। लेकिन जो प्राइस में मैंने बाय किया था वो काफी अच्छी प्राइस थी, बट फिर भी मैं इसको आगे देखूंगा कि कैसे करना है, और तभी लूंगा जब मुझे इसमें लगेगा कि मुझे लेना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि गोल हमारा अभी भी है ये टू अचीव। टोटल अभी तक इनके डेज हो चुके हैं 7 और 6 डेज, यानी 7 दिन पहले और 6 दिन पहले हमने इनको खरीदा था, और अभी तक ये निगेटिव में है। तो देखते हैं कि 300 दिनों का आंकड़ा कैसे ये क्लोज करते हैं। अब साथ में हम इनके साथ ही जाते हैं, हम सबसे ज्यादा किसको जाएंगे, सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव शेयर है हमारे आज के टाइम पे, हम देखते हैं कि पॉजिटिव शेयर्स कौन से हैं। अपार्ट फ्रॉम देम मैं ये भी बोला था कि आप अगर आप लेना चाहो तो ये 2 शेयर्स भी आप ले सकते हो, दैट इज आपके ऊपर मर्जी है, ONGC एंड ONGC। यानी आप ONGC अभी भी ले सकते हो। देखो दोनों में फर्क क्या है कि मैंने जब इनका प्राइस देखा होगा तो 154.6 पे लिया था, और 1 सेकंड में भी प्राइस ऊपर नीचे होती है तो इसके कारण होता है। तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि क्या ONGC एक अच्छा स्टॉक है जो आप अभी ले सकते हो, काफी डाउन गया है और बढ़ते ही जा रहा है। मैं तो हमेशा इसको ऐड करते जा रहा हूँ पोर्टफोलियो में। तो आप देख सकते हो कि पहले मैंने 13 लिया था, यानी पुराना था, फिर कुछ लिया, फिर मैंने 4 लिया वापस, आप देख सकते हो। तो ये टोटल है, अभी देखेंगे कि ये यानी 20% लॉस पे चल रहा है, लेकिन 5 जुलाई को लिया, यानी 7 और 5 डेज में लिया है, और देखते हैं कि कब तक ये रिकवर करता है अपने आपको। तो अभी हम जाके जो हमारा था कि हम देखें कि हमारे टॉप के स्टॉक कौन से हैं। अभी कोई पहुंचा है क्या 10% के पास जो हम तो हम उनको निकाल सकें, मतलब हम निकालते थोड़ा नहीं है, हम उसको GTT में लगा देते हैं। 12.5% हो चुका है, 2.2 और काफी पॉजिटिव स्टॉक है, 4 आ गए पॉजिटिव, क्योंकि आपने देखा होगा कि सब नेगेटिव में था। ओके, तो ग्लास्को स्मिथ फार्मा पॉजिटिव में आ गया है, गुजरात नर्मदा भी पॉजिटिव में आ गया है, महिंद्रा 1.46 पॉजिटिव है, इंडस टावर 2.25 पॉजिटिव है, और ये 2% अचीवमेंट किया है इन्होंने 5 दिनों में और पिछले 8 दिनों में। तो ठीक है, चलो देखते हैं टोटल कब तक पहुंचता है। तो अगर हम इसको हम डाउन कर देते हैं और इस शीट को ओपन कर देते हैं, तो दोस्तों आप शेयर मार्केट कभी भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसमें लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपके पैसे हैं, आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। बट ये जो शीट मैंने बनाई है और जिसको प्रोसेस को मैं जा रहा हूँ, इसमें मैं यही दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कितने। तो आप देख सकते हैं कि अभी का एवरेज गोल मेरा अचीव हुआ है -7.9, यानी मेरा पोर्टफोलियो अभी भी 7% नेगेटिव में है। तो चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि आज कौन से स्टॉक हैं जो हमने बाय किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे स्टॉक हैं, एक सेकेंड सर,
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो IDFC फर्स्ट, ये पिछले 3 दिन से मैं एक्चुअली देख रहा था, जो लेना चाह रहा था लेकिन मैं कुछ ट्रैवलिंग में था जिसके कारण मैं ले नहीं पाया था फ्राइडे को, थर्सडे को। थर्सडे से एक्चुअली इसने बढ़ना चालू किया, एवरी डे 5% बढ़ रहा है। ये स्टॉक मेरे पास था कुछ, लेकिन अभी मैंने वापस इसमें 6 ऐड कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज के प्राइस 33.9 पे है और ये स्टॉक मैं आज के टाइम पे रिकमेंड करूंगा कि आप ले सकते हैं। सेकेंड स्टॉक है ONGC। जैसा मैंने बोला था, ONGC को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। ONGC जब भी आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ले लेना चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ। एनालिसिस के हिसाब से कि वो बहुत अच्छा स्टॉक जा रहा है। तो 5 जुलाई को मैंने आज फिर से ले लिया स्टॉक, 127 की प्राइस पे, जो पिछले प्राइस से वाकई में कम है। और तीसरा जो है रिलायंस एक्चुअली लास्ट वीक लेना चाहिए था, जब 7% डाउन हुआ था, बट नहीं ले पाया था। बट ठीक है, अभी भी मुझे लगा कि आज ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया। इसके भी मैंने 6 स्टॉक्स लिए हैं 2,435 रुपए में, जो कि टोटल 14,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आपके पास इतने नहीं है, मान लीजिए आपके पैसे नहीं है, तो आप जो स्टॉक इनमें 5 रुपये से आप लेना चाहते हो, जो आपके बजट में आता है, वही स्टॉक आपको, जरूरी नहीं कि आपको सेम चीज़ें पूरी करनी। आरबीएल बैंक मैंने वापस ऐड किया है, इसके 85.85 में मुझे मिल गया है, तो मैंने ले लिया है। पांचवा स्टॉक आज का है टाटा मोटर्स। ये तो यार टाटा के बारे में, टाटा अदानी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, कर लेने का चुपचाप, ले लेने का इनके स्टॉक्स को। 417 मिला है, मैंने आज इनको ऐड कर लिया है। तो ये मेरे आज के 5 स्टॉक रिकमेंडेड स्टॉक हैं। इनको कल की शीट में मैं वापस डाल के अपडेट करके कल आपको दिखा दूंगा कि मैंने मेरा मतलब वो एवरेज आउट कहाँ तक पहुंचा। मैं नॉर्मली 9:15 पे पूरी जो पुराने स्टॉक है उस पूरे को मैं मैनेज करता हूँ, उसको मैं दिखाता हूँ कि आजू बाजू में कहाँ पे पहुंचा। जैसे आज से -7.9% है, लेकिन कल देखेंगे कल कहाँ तक पहुंचता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 10% में पहुंच जाए। और मेरे रेगुलर वीडियो नहीं रहेंगे, देखिए कि आप ये सोचोगे एवरीडे मैं 5 स्टॉक देता जाऊँ, वो मैं नहीं दूंगा। मैं जब बाई करूंगा तभी दूंगा। एवरीडे मेरे पास रहता है कि 5 स्टॉक लेने हैं, ये लेने हैं, वो लेने हैं, लेकिन जब मैं बाई करूंगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आज चलते हैं अभी साइट पे, और साइट पे जाके देखते हैं कि क्या स्टॉक का हाल है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने खरीद लिए हैं IDFC फर्स्ट, ONGC, रिलायंस, RBL और ट्रांसन आज बिक गया। देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं एक टारगेट रखता हूँ, 10% के ऊपर जाता है तो मैं उसको GTT लगा देता हूँ, और वो बिक जाए तो बिक जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा आज ये बिक गया है। और आज किस पे हम जाने वाले थे, बैंक, चलो ONGC पे करते हैं ना, आपको भी दिखाता हूँ कि ONGC के लिए लोग क्या कहते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन आप ONGC का हम देखेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। पिछले एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो 16% डाउन है। अब हम अपना आगे का एनालिसिस करते हैं कि इसका ओरिजिनली क्या बोल रहा है। तो आज देखेंगे तो ये बढ़ा हुआ है 127.50, अभी बढ़ गया है, जो 0.24 का रिटर्न आया है वन डे का। वन वीक का रिटर्न हम देखते हैं इसका, तो 11% डाउन हुआ है, पूरा एकदम गिरा है। और इसके बाद हम अगर जाते हैं तो ये गिरा है, यहाँ से उठा है, वापस गिरा है। वन मंथ का टोटल डिस्काउंट आपको आज के टाइम पे डिस्काउंट मिल रहा है 17% का। सो वन ईयर का, वन मंथ का डिस्काउंट 17% होता है, एनी टाइम आपके लिए एक अच्छी डील है। अब देखते हैं वन ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। वन ईयर में इसने 14% दिया है। ठीक है, मैं बहुत हमेशा कहता हूँ कि अपना प्रॉफिट रखिए। यहाँ से ये डाउन गया है, यहाँ अप गया है, फिर वापस डाउन गया है, यहाँ अप गया है, यहाँ डाउन गया है, यहाँ अप गया है, यहाँ डाउन, 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 अप, डाउन, अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब डाउन जाए तो आप बाई करो, जब अप जाए तो सेल करके निकल जाओ। और पिछले 5 साल का देखेंगे रिटर्न तो -22% है। अब कई लोग, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कई लोग बोलते हैं अरे 5 साल में लॉन्ग टर्म में रख के छोड़ देना। अरे लॉन्ग टर्म में छोड़ो यार, 15-20 मिनट में, अभी मैं आपके सामने ही वीडियो बना रहा हूँ, राइट। 9:15 पे करीबन शुरू करता हूँ, 9:40 अभी हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम 1 घंटा दे रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलो आपको तो वीडियो नहीं बनाना है ना, आप अपना बाइक सेल करते जाओ ना। ये देखो अभी ये डाउन पे ही ट्रेडिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि मैं इसको और लेना चाहूँ। और मैक्सिमम आप देखोगे इसका मैक्सिमम इसका, अब इसमें देखते हैं SIP है क्या इसके, ये देखिए इसकी SIP। यानी अगर SIP आपने लगाई है 100 रुपए की, इन्वेस्टमेंट आपने 100 रुपए का चालू किया था अगस्त 16 में, तो आपकी वैल्यू 100 रुपए थी, लेकिन जब आप यहाँ पे आए 600 पे 671 मिली, फिर यहाँ पे 1200 पे 1100 निगेटिव हो गया, 2000 का 1900। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो 3200 का आपको 1400 में पड़ रहा है, आपकी वैल्यू 1400 होगी, तो क्या फायदा हुआ इसका,
इसीलिए मैं बोलता हूँ एसआईपी ठीक है लेकिन जिसके लिए की जो नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वापस आप कब ये कब का है 21 का, यानी सेम वैल्यू और यानी आपने एसआईपी लगा दी थी लेकिन आपको फायदा नहीं हुआ, राइट? आपको फायदा कहाँ हुआ है? यहाँ पे हुआ है, यानी आपने 5400 लगाए थे तो फिर जाके आपको ये फायदा मिला, लेकिन आज के टाइम पे आप देखोगे तो फिर से वो वापस नीचे आ गया करीबन उसके पास ही, यानी 6000 के इन्वेस्टमेंट में 7000, तो आपको फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए एसआईपी भी मेरे पोर्टफोलियो में एसआईपी बहुत कम है, सही बोलो तो मैं म्यूचुअल फंड पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। इन प्लेस ऑफ दैट मुझे ये चार्ट ज्यादा पसंद आता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और मैं उनको फॉलो करता रहता हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे देखते हैं, फाइनेंशियल तो नहीं देखेंगे, ओएनजीसी तो पीस देख लेते हैं, शायद आपको पता हो ना पता हो बट आप फिर भी देख लीजिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस तो हो ही गया, ये हो गया ऑयल इंडिया लिमिटेड, हो गया हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन, नहीं है मेरे पास ये, एशियन एनर्जी सर्विसेज भी नहीं है मेरे पास, ऑयल इंडिया है मेरे पास, और आप देख सकते हैं इनका डिविडेंड भी अच्छा खासा आता है, डिविडेंड भी इन्होंने अच्छा खासा दिया हुआ है आपको। होल्डिंग्स में अभी देखते हैं कि लोगों का क्या बिहेवियर है होल्डिंग्स में, और आज मेरे यहाँ बारिश हो रही तो शायद साउंड की आपको दिक्कत आएगी, तो माफ कीजिएगा उसके लिए, बट आप साउंड पॉज कर मतलब म्यूट करके भी आप इसको समझ सकते हैं कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। होल्डिंग्स में प्रमोटर्स की होल्डिंग घटी है इनकी, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स का आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड का भी घटा है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में घटा है, सब चीज घट रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन बढ़ा है, 9.91 हुआ है, ठीक है। केवल एक ही पॉजिटिव है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने ज्यादा किया है, और हम जैसे रिटेल वालों ने भी बढ़ाया हुआ है 14.2%, यानी रिटेल का है बढ़ रहा है, लेकिन अगर साथ में अब चलो देखते हैं कि फोरकास्ट, मैंने तो लेने को बोला है, यहाँ पे भी देखिए 22 एनालिस्ट ने बोला है कि इसको लेना ही चाहिए, एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, सो पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है, आपको सब चीजें पॉजिटिव ही आ रही है। यहाँ पे भी आप देखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओआई वर्सेस एवरी रेट, डिविडेंड रेट, एंट्री पॉइंट, ऑल इज ग्रीन, सो ये अच्छी बात है हमारे लिए, ग्रीन हो रहा है। तो ओएनजीसी अब खत्म करते हैं और वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि अभी दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स सी, और मिलते हैं फिर से कल, नहीं तो जब भी 5 शेयर में बाय करूंगा तो बाय करने के बाद ही मैं वीडियो पे डालूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, जो आपकी अर्निंग यानी आपके अदर स्ट्रीम्स को बढ़ाते हैं। अमेजोन की भी लिंक दी रहती है, आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं प्लीज अमेजोन की लिंक से जाइए, हमारे वीडियो के अमेजोन लिंक से जाके बाय कीजिए, उससे हमें थोड़ा कमीशन आ जाता है, 2-9% तक का कमीशन मिलता है अमेजोन एफिलेटेड होने के कारण, जिससे हमारी अर्निंग हो सकती है। तो साथ में ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी अमेजोन एफिलेटेड बन जाइए और अपना प्रमोट कीजिए आपकी लिंक को, तो लोग अगर आपकी लिंक से बाय करेंगे तो आपको वहाँ भी कमीशन मिलेगा, ये एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ।